हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। संकल्प स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरीश। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे अहुजा CTP-10 DX, जो एक बजट माइक्रोफोन है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, यह है अहुजा CTP-10 DX माइक्रोफोन। इसका MRP है ₹715। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और यह है उसका स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, तो मैंने इसे पहले ही खोल दिया था। इस माइक्रोफोन की पैकिंग एक लेदर बैग के अंदर दी गई है। यह है वो बैग जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी क्वालिटी ओके लगती है। जो आप कहीं आउटडोर में काम करने के लिए जाते हैं तो इसे आसानी से कैरी कर सकते हो। अब हम इस बैग को खोलकर देखते हैं इसमें क्या क्या एक्सेसरीज दी गई है। यह है अहुजा CTP-10 DX लेवलियल माइक्रोफोन। इसकी वायर की लंबाई 6 मीटर दी गई है और यह है इसका 3.5 mm का ऑडियो जैक, जिससे आप इसे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और DSLR में कनेक्ट कर सकते हैं। और यह है कंडेंसर, जो एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 6.5 mm का जैक है और इसमें एक बैटरी भी दी है जिसको आपको इस कंडेंसर में लगानी होगी। अब मैं आपको बताता हूं इसकी क्वालिटी के बारे में। प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी क्वालिटी बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि ये मेटल का बना हुआ है और मजबूत है, तो इससे इसके टूटने का कोई डर नहीं रहेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वायर की लंबाई 6 मीटर दी गई है, जिससे आप कहीं भी इस्तेमाल करने में आपको आसानी होगी। इसकी वायर की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया दी गई है। अगर हम बात करें इसके ऑडियो जैक की, तो ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी गोल्ड प्लेटेड होता तो और अच्छा होता। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि आप इसे खोल सकते हैं और खराब होने पे चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं इसे अपने कंप्यूटर के साथ किस तरह यूज करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के फ्रंट पैनल में इस तरह की दो इनपुट होती है, एक माइक इनपुट है और एक ऑडियो इनपुट है। और इसी तरह की दो इनपुट कंप्यूटर की बैक पैनल में भी होती है। अभी हम इस माइक को अपने कंप्यूटर के माइक इनपुट में डालते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कंप्यूटर में ऑडियो कैसे रिकॉर्ड की जाती है। अब मैं ओपन करूंगा ऑडासिटी सॉफ्टवेयर, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहां हमें पहले अपना माइक सिलेक्ट करना होगा और अभी मैं इसमें रिकॉर्डिंग करना चालू करता हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। और इसी तरह आप इसे अपने लैपटॉप के साथ भी यूज कर सकते हैं और अपने DSLR के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन के साथ ये माइक काम नहीं करता है। मैंने इसे अपने स्मार्टफोन के लिए ही खरीदा था। मैंने इसे लेने से पहले यूट्यूब पे इसके बहुत रिव्यू देखे, लेकिन किसी में भी ये जानकारी नहीं दी गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ही इसका रिव्यू करके आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। मैंने इस तरह इसे एक ऑडियो वीडियो स्प्लिटर वायर लगाकर भी स्मार्टफोन के साथ टेस्ट किया, लेकिन ये स्मार्टफोन के साथ काम नहीं करता है। अगर आप इसे स्मार्टफोन के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। अगर आप इसे एम्पलीफायर के साथ यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ दिए इस कंडेंसर में बैटरी को लगाना होगा और इस तरह से इसका यूज करना होगा। अभी हम करेंगे इसका ऑडियो टेस्ट। अभी आप जो आवाज सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अभी आप इसकी ऑडियो क्वालिटी का डिफरेंस समझ गए होंगे। अभी ये आप ही तय कीजिए कि इसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगी या नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कम बजट का माइक्रोफोन लेना चाहते हो तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। आपको इस तरह के और 250-500 के रेंज में भी चाइनीज माइक्रोफोन ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, ईबे, अमेजोन में मिल जाएंगे, लेकिन उन सब के कंपैरिजन में ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेस्ट लगता है। बाकी चॉइस आपकी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो आप और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन एंड जय हिंद।